राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जी हां, सरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठार, तब्बू और दुष्यंत सिंह को नया नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस राजस्थान सरकार की याचिका पर जारी किया है और राजस्थान सरकार ने सीजेएम कोर्ट की तरफ से इन लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई अब 8 सप्ताह बाद होगी और इससे पहले हाईकोर्ट ने साल मार्च में भी राजस्थान सरकार की याचिका पर इन लोगों को नोटिस जारी किया था। इस मामले में अभिनेता सलमान खान पिछले साल दोषी करार दिए जा चुके हैं। अदालत ने 1998 में दो काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को दोषी पाया गया था। सलमान को अप्रैल 2018 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी और यह घटना फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान की थी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील का कहना था कि फिल्म के कलाकार जिप्सी पर सवार थे और जिप्सी को सलमान खान चला रहे थे। आपको बता रहे काला हिरण केस मामला लगातार कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और एक बार फिर से अभिनेताओं की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर से एक बार नोटिस जारी किया है काला हिरण केस मामला, जिसमें फिर से अभिनेताओं की मुश्किलें कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।